हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 14। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, लेट्स डू अ क्विक रीकैप ऑफ अवर प्रीवियस वीडियो। सो हियर इज द रीकैप। स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फूड क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर कंज्यूम आर नोन एज फूड क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो कंज्यूम करने के लिए उगाई जाती हैं, उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, ये जो सारी हमारी क्रॉप्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स। ओके, टूडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द कैश क्रॉप। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 88। स्टूडेंट्स, कैश क्रॉप क्या होती है? क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर द सेल और एक्सपोर्ट इन द मार्केट और अदर कंट्रीज आर नोन एज कैश क्रॉप। ऐसी फसलें जो मार्केट में सेल करने के लिए या दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए उगाई जाती हैं, उन्हें हम कैश क्रॉप बोलते हैं। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 88। सबसे पहले हमारी कैश क्रॉप है ऑयल सीड्स, या ऐसे बीज जिनसे तेल निकाले जाते हैं। ओके, ऑयल सीड्स प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग फूड। ये जो ऑयल सीड्स होते हैं, इनसे खाना बनाने के लिए तेल मिलता है। दिस ऑयल इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। ऐसे ऑयल को हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। ग्राउंड नट, लिनसीड, कोकोनट एंड मस्टर्ड आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे भागों में ग्राउंड नट, लिनसीड, कोकोनट और मस्टर्ड उगाए जाते हैं। मस्टर्ड ऑयल इज प्रोड्यूस इन पंजाब एंड हरियाणा। ये जो मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल होता है, ये पंजाब और हरियाणा में उत्पादित किया जाता है। ग्राउंड नट इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। भारत के दक्षिणी भाग में, गुजरात में और महाराष्ट्र में मूंगफली उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारत गन्ना उत्पादित करने में सबसे आगे है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर एंड गुड़ और जैगरी। गन्ने का यूज करके हम चीनी या गुड़ बनाते हैं। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। उत्तर प्रदेश, जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के अलावा यह बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी उगाया जाता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया रेफरेंसेस में आप देख सकते हैं मेज, टी, कॉफी, कॉटन, जूट। और यहाँ पर भारत के मैप में आप देख सकते हैं ये, जहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉटन। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स। स्टूडेंट्स, कॉटन या कपास जिसे हम कहते हैं, ये भारत के पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में उगाया जाता है। कॉटन का यूज करके कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जूट। जूट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो जूट होता है वो हॉट और वेट क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह से उगता है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इसे भारत के सोने के रेशे के रूप में जाना जाता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा आर मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। भारत के वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जूट उगाया जाता है। जूट इज यूज टू मेक बैग्स एंड कारपेट्स ऑल्सो। जूट का यूज करके बैग और कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टी। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, या टी की प्लांटेशन होती है। टी के जो पौधे होते हैं उसे उगाया जाता है। टी ग्रोज वेल ऑन हाई लैंड एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। जो टी होती है वो हाई या ऊंची जगहों पर उगती है, जहां पर मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन्ड होती है या गीली होती है। असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन द साउथ आर फेमस फॉर द टी स्टेट्स। असम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी की पहाड़ियां चाय की खेती के लिए जानी जाती हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला देश है। नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। कॉफी की भी प्लांटेशन या खेती होती है। कॉफी एंड कोकोवा आर ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कॉफी और कोकोवा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, मसाले। इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। भारत को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है। द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। केरला और कर्नाटका का जो मालाबार तट है, वहाँ पर सबसे ज्यादा स्पाइसेस उत्पादित किए जाते हैं।
Black pepper, cardamom, cloves, chilies, ginger, turmeric are some of the popular spices grown here. Kali mirch, elaichi, long, chili, ginger, ginger को हम अदरक बोलते हैं, turmeric, हल्दी, ये कुछ मुख्य मसाले हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं. A large variety of vegetables and fruits is grown in India. भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाने वाला देश है. सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. आजादी के बाद हमारे भारत ने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही ज्यादा प्रगति की है. इरिगेशन फैसिलिटी, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, मैन्यूर टू मेक द सॉइल फर्टाइल एंड बेटर टूल्स लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर हैव हेल्प्ड द फार्मर इन यील्डिंग अ गुड क्रॉप. इरिगेशन फैसिलिटी या सिंचाई व्यवस्था, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी वैरायटी के सीड या बीज, मैन्यूर को हम खाद बोलते हैं जिससे हमारी मिट्टी फर्टाइल होती है, उसके बाद ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का यूज करके जो हमारे भारत के किसान हैं वो अच्छी क्रॉप्स उगाने में सफल हुए हैं. एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैव बीन सेट अप एंड रिसर्च इन वेरियस एरियाज हैव हेल्प्ड द फार्मर इन अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए गए हैं और डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं जिसने हमारे किसानों को ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको अपनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है. दिस मेजर इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन. हमारे भारत में एग्रीकल्चर में ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसे ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइव स्टॉक या पशुपालन. काउ एंड बुलेक्स आर कॉल्ड कैटल. काउ और बुलेक को हम कैटल कहते हैं. काउस, बफेलो, गोट्स एंड कैमल्स गिव मिल्क. काउ, बफेलो, गोट और कैमल हमें दूध देते हैं. दे आर कॉल्ड मिल्क कैटल. इन्हें हम मिल्क कैटल कहते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर एंड घी कम फ्रॉम दीज एनिमल्स. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज, बटर और घी इन्हीं सारे जानवरों से आते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप, कैमल्स एंड गोट. शीप, कैमल और गोट से हमें वूल भी मिलता है. वूल का मतलब होता है ऊन. कैटल ऑल्सो हेल्प इन प्लोइंग द फील्ड. जो कैटल होते हैं वो खेतों की जुताई में भी हेल्प करते हैं. बुलक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बुलक्स का यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के साधन के रूप में भी बुलक्स का यूज किया जाता है. कैटल वेस्ट इज यूज एज मेन्यूर एंड ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस. कैटल वेस्ट जिसे हम गोबर कहते हैं इसका यूज मैन्यूर या खाद के रूप में किया जाता है और इसका यूज करके बायोगैस भी बनाई जाती है. नाउअडेज कैटल आर गिवन गुड क्वालिटी डाइट एंड स्पेशल मेडिकल अटेंशन. आजकल जो कैटल्स होते हैं उन्हें गुड मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है. ऑपरेशन ब्लड हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इनकम ऑफ फार्मर्स. ऑपरेशन फ्लड के बाद जो हमारे मिल्क का प्रोडक्शन था वो बढ़ गया है और हमारी फार्मर्स की इनकम भी ज्यादा हुई है. द वाइट रेवोल्यूशन हैज नॉट ओनली इंक्रीज क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बट मेड इंडिया अ वर्ल्ड लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन. वाइट रेवोल्यूशन के बाद केवल मिल्क की क्वालिटी ही नहीं इंक्रीज हुई है बल्कि जो हमारा भारत देश है वो अच्छा दूध उत्पादित करने वाले देशों में से भी जाना जाने लगा है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 14 है ये एंड हो रहा है. ओके, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर इन अवर लाइव क्लास. ओके.